नमो नारायण श्रद्धालुओं, मैं ब्रह्मांडपुरी माँ मंडलेश्वर आयुर्वेदाचार्य पुनः उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी देने के लिए आया हूँ। संस्कारों की हम बात करते हैं और इस वीडियो का विषय है कैसा हो हमारा संस्कार। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ने जब इस पृथ्वी पर स्वयं राम के स्वरूप में जन्म लिया, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरि योगेश्वर कृष्ण ने जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया, परशुराम जी ने जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया, तो इनके संस्कार हुए। संस्कार कितने प्रकार के हैं? 13, और 3 उपसंस्कार मिलाकर 16 कहा गया, जिसे हम खोडस संस्कार के नाम से जानते हैं। संस्कारों को आप जाने, संस्कारों से जुड़ा हुआ है आपके खान पान का व्यवहार, संस्कारों से जुड़ा हुआ है सब कुछ। अब ये संस्कार है क्या जीवन में? इस जीवात्मा की 3 प्रबल शक्ति हैं। पहला है मन, जो विचलित करता है। दूसरा है बुद्धि, जो स्थिर रखता है। तीसरा है संस्कार, जो इन सब का मुखिया होता है। मन की बात नहीं सुननी चाहिए, ये पागल है, ये कहीं भी बैठता है, किसका भी रस लेना चाहता है। बुद्धि को स्थिर रखनी चाहिए। मन मतंग माने नहीं, जब लोग खता न खाए, जैसे पंखी गुड़ में पंख रही लपटा। ये मन है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। डाइजेस्ट होगा कि नहीं इसका पता नहीं, इसलिए मन की बातों में नहीं आना चाहिए, ये तो चंचल है। जीवात्मा की 3 प्रबल शक्तियां हैं मन, बुद्धि, संस्कार। इसकी शुरुआत होती है चित्त से। चित्त से चिंतन होता है, चिंतन से चरित्र होता है, चरित्र से अनुराग होता है, अनुराग से वैराग होता है, वैराग से भक्ति, और भक्ति से ही आदमी को मुक्ति मिला करती है। प्रथम संस्कार हमारा कब होता है? विषय लंबा है, 16 संस्कार का अगर मैं व्याख्यान करने लगूं तो 8 घंटा रोज 6 महीने में भी नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि संस्कार पे ही सृष्टि टिकी हुई है। इसलिए जो मुख्य है उनके बारे में आपको प्रकाशित करूंगा, जिसके लिए आपको बहुत महत्व है। सर्वप्रथम हम जब जन्म लेते हैं तब संस्कार होता है, ऐसा नहीं। हम जब गर्भ में आते हैं तभी से संस्कार हमारे शुरू हो जाते हैं, हमें ज्ञान नहीं है। बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तब हमारा पहला संस्कार होता है, जिसे हम कहते हैं वेदांत की रीति से गर्भाधान संस्कार। जब बच्चा गर्भ में आते हैं तो हम कराते हैं गर्भाधान संस्कार। उस संस्कार के अंदर हम प्रभु को बार बार स्मरण करते हैं, गोमूत्र से, पंचामृत से, शहद से, फल फ्रूट से, अलौकिक वनस्पतियों के लेप से। बड़ी लंबी प्रक्रिया है, स्नान ध्यान करा के उसके खान पान तक की व्यवस्था है। वेदांत कहता है कि जब स्त्री गर्भवती हो शुभ तिथि में उसका गर्भाधान संस्कार करा जाए। गर्भाधान के बाद में ही उस पर लागू होते हैं कैसा होगा उसका आहार, कैसा होगा उसका विहार, कैसा होगा उसका शयन। ध्यान दें, अगर स्त्री गर्भवती होती है तो उस समय उसको समय के हिसाब से गीता का पठन करना चाहिए, सत्संगों में जाना चाहिए, वेदों का अवलोकन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, पठन करना चाहिए, पाठन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और सदैव सतोगुणी आहार करना चाहिए। क्योंकि उस गर्भ में पलते हुए शिशु को एनर्जी माँ के आहार से मिलती है। आज हम कहते बच्चे बिगड़ गए, तो बच्चे को बिगाड़ने वाले हम ही हैं, क्योंकि वो समय ऐसा होता है। हमारे पास किताबी ज्ञान है, आप लोगों के पास व्यवहारिक और प्रैक्टिकल ज्ञान होगा। आयुर्वेद के एक पुस्तक में स्मरण कराया गया है कि स्त्री जब गर्भवती होकर 4th महीने में प्रवेश करती है तो उसकी खान पान की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि उस समय उसके कुछ बॉडी के 8 मिनरल्स इंग्रेडिएंट्स ऐसे डेवलप होते हैं कि
उसकी खान पान की इच्छाएं जग जाती है, तीखा चाहिए, चटपटा चाहिए, खट्टा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और हम उस चीज को जब खाते हैं तो हमें हाइपर एसिडिटी बढ़ जाती है, हमारा हाइपरसिडिटी बढ़ जाता है, तो हमारे बच्चे पर उसका असर पड़ता है। खान पान में आप जो भी खाइए, स्वनिर्मित शुद्ध और सात्विक आहार करिए, न्यूट्रिशियस फ्रूट खाइए, स्प्राउट खाइए, हरी सब्जियों के साथ रोटी का सेवन करिए बिना मसाले के, घी खाइए, मक्खन खाइए, दूध खाइए, मस्तक पे तिलक लगाइए, तुलसी को पानी जलाएं, तुलसी को आप पूजा करें, सूर्य को अर्घ दें। जब आप सूर्य को जल देते हैं तो उसके सनलाइट इफेक्शन से बच्चों को बहुत ही पोषक तत्व तो मिला करते हैं। और यहाँ तक कि एक परंपरा है कि जब स्त्री गर्भवती हो तो उसके जीवन में स्ट्रेच नहीं चाहिए, मानसिक तनाव नहीं चाहिए। अगर उस समय उसको मानसिक तनाव है तो नो डाउट बच्चे को बीमारियों से जूझने से कोई नहीं रोक सकता है। उसको जो पोषक तत्व तो चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। उसके स्नायु का विकास अगर नहीं होता है तो जन्म लेने के बाद एक टाइम लिमिट के बाद बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाएगा, बच्चे के स्नायु का विकास नहीं होगा, बच्चे के बोन म्यूरोज वीक हो जाते हैं। अब आप बताइए अपने बच्चों के जिम्मेदार कौन है? हम ही हैं। पहले गर्भाधान संस्कार पे आते हैं, गर्भाधान संस्कार के बाद में अगर हमारे बच्चे को आराध्य से, परमात्मा से, प्राकृतिक तरीके से व्यवस्था कराते हैं, आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, गर्भाधान संस्कार कुछ जगह से राजस्थान में, हरियाणा में, कई जगह लोग गोद भराई के नाम से भी जानते हैं, इसी को कहा जाता है गर्भाधान संस्कार। आज हमारे जीवन में एक नया पुत्र आने वाला है, हमारे कुल का दीपक आने वाला है, गर्भाधान संस्कार होता है। नक्षत्र, ग्रह, योग, नाड़ी और तिथि, जब इनका समावेश होता है तो बच्चे का जन्म होता है। जन्म लेने के बाद में कभी भी बच्चा रोता है, नहीं रोया तो रुला दिया जाता है, क्योंकि वो अपने इष्ट, अपने साक्षी जल को ढूंढता है, कहाँ है तू, तूने ही तो मेरी साक्षी ली है। और जब उसके मुख में दो बूंद कपास से डाल कर पानी पिलाया गया वो तुरंत शांत हो जाता है। नंदी श्राद्ध कराया जाता है, बच्चे का नामकरण संस्कार कराया जाता है। अब इसे नाम पे आती है, अब आजकल के नाम तो टीनू मीनू पता ही नहीं लगता लड़के का नाम है या लड़की का नाम है। अगर आज से 60 साल 100 साल पहले जाएंगे तो हर व्यक्ति के नाम परमात्मा के नाम से या उस शब्द के पर्यायवाची शब्दों से होता था। सीता राम, राम गोपाल, राधे श्याम, बिहारी, कुंज बिहारी, रघुनंदन, ऐसे नाम हुआ करते थे। तो नाम का भी असर होता है, जथे नामे तथे गुणा, जैसा नाम ऐसे ही गुण आपके अंदर आते हैं। अगर बच्चे का नाम राधे श्याम है और माँ ने उसके मस्तक पे तिलक लगाया तो उसके नाम का ही इतना अट्रैक्शन है, वो बियर बार में नहीं जाएगा, मांसाहार की जगह खड़ा होगा तो उसे अपने आप में एक भय पैदा होगा, यार मेरा नाम राम से है, मेरा नाम श्याम से है, ऐसे कृत करते हुए मैं सुंदर नहीं लगता। उस नाम के आघात से, प्रतिघात से बचकर वो अपने घर वापस आ सकता। नाम का भी बड़ा प्रभाव है, भगवान राम का भी नामकरण संस्कार है। छोटा सा एक ही एग्जाम्पल, क्योंकि संस्कारों पे मैंने बताया ना आपको, 6 महीने 8 घंटा रोज भी अगर हम कहेंगे तो खोटे संस्कार का वर्णन कर पाना मुश्किल है। एक ही जगह कहा गया कि जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाश, चारों भाइयों के नाम उस तरीके से रखे गए हैं कि जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नष्ट हो जाएगा, जो सदैव वेदों का प्रकाश करेंगे उनका नाम शत्रुहन हो। जथे नामे तथे गुणा, अब नामकरण अंतिम गति में जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है 48 घंटे पहले उसे पूर्वाभास होता है कि अब मेरी प्राणवायु निकलने वाली है, लेकिन वो आसक्ति में कह नहीं सकता, वो सोचता है कि मेरी तो जो होनी थी हो गई, अब इसके बारे में क्या कहें, मेरे करने से इसे कहीं दुख हो जाएगा। और 48 मिनट के अंदर अगर वो समर्पण करता है
इच्छा रहित होकर के, तो वो मोक्षगामी होता है। और सबसे ज़्यादा उस समय आसक्ति किसकी होती है? पुत्र की। और उस अंतिम क्षण में अगर पुत्र के वियोग में भी उसने राधे श्याम गोविंद गोविंद कुंज बिहारी कहा, तो ये जीवात्मा मोक्ष की गामी बन जाती है। अस्तु अपने बच्चों के नाम भी थोड़ा सोच समझ के रखें। टीनू मीनू शीनू ये सब अच्छे नाम नहीं हैं, इनसे आपका विनाश हो सकता है। अब तो कल्चर ही बदल गया। हमारी माताओं को जब गर्मी लगती थी, धूप तपता था, तो गुड़ का शरबत पिलाते थे, सौंफ डाल करके, उसमें उनको आयरन मिलता था, उसमें उसके ब्लड के रेड सेल्स बढ़ते थे, उसमें उनकी फेस ग्लोज बढ़ती थी, उसमें उनको सारी विटामिन्स मिलती है। अब धूप में जब प्यास लगती है तो हम कोको कोला पीते हैं, बियर पीते हैं, ऐसे ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, जिन्हें पीने के बाद धीरे 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 हमारी बॉडी एक्सेप्ट करते हुए, जब उसकी एनर्जीज कम होती तो डिमांड करती है, वी वांट एल्कोहल। आजकल तो ऐसा ट्रेड चल गया है भक्तों कि अगर कोई भी मोरर कल्चर का आप सिरप लेते हैं, एंटी एलर्जिक, आप अगर पढ़ेंगे तो हर सिरप के अंदर 62 से 60% तक एल्कोहल होता है। अगर आप खांसी के उस सिरप को पीते पीते आदि बन जाएंगे तो एक दिन ये डिमांड क्या करेगा। और ट्रेड सुन लीजिए, कितना बदल रहे हैं आप। 6 महीने का बच्चा घर में है, आप अपने आनंद के लिए उसको क्या पिलाते हैं? पेप्टोन। पेप्टोन क्या है? एक ड्रग्स है। और उस बच्चे को आपने बचपन में एप्टोन और पेप्टोन पिला दिया है तो बड़ा होके क्या बनेगा? शराबी ही बनेगा ना, यानी उसके निर्माता कौन है? खैर, जो बीत गई सो बीत गई। आगे हमारे बच्चों से मेरा अनुरोध है, आप आहार विहार पे ध्यान रखें। हमारे यहाँ शुद्ध जल पीने की व्यवस्था है, सनातन की रीति में और प्रकृति में बहुत। आपके पिता आपके लिए बिना मांगे उस चीज़ की व्यवस्था नहीं कर सकते जो परम पिता ने हर समय पे कर दिया है। आपके हर समय पे ऋतु फल तैयार होते हैं आपके आहार के लिए। आप पपीता खाइए, पपीता आपके लिए डाइजेस्टिव है, उधर विकारों से मुक्ति कराएगा। और पपीते के अर्क को पपीते का पेस्ट बनाकर अगर फेस पे लगा करके आप रहते हैं तो पिंपल्स भी खत्म होते हैं। आपके लिए पपीता है, शरीफा है, सीताफल है, चीकू है, जामुन है, आम है, कितने फल दिए हैं आपको प्रकृति ने, क्योंकि उसे पता है इस जीवात्मा को मैंने दुनिया में भेजा है। एक समय के सीमा के साथ इसका जब शरीर दुर्बल होगा तो इन्हीं पौष्टिक आहारों को खा करके वो हिष्ट पुष्ट और बलवान बन सकता है। लेकिन आप क्या खाते हैं? खाना चाहिए। पेड़ से पके फल तो देखे कई साल हो जाते हैं, आजकल केमिकल का युग है, पेस्टिसाइड डालकर पकाया जाता है। अक्सर हमने देखा है कि भाई हम खाते नहीं हैं, ज़्यादातर एप्पल लाया तो मैं फेंक देता हूँ, नहीं खाना, ये लाया तो नहीं खाना। लोग बोलते हैं गुरुजी इतना सुंदर फल है, नहीं ये सुंदर नहीं रह गया है। आपको एक पहचान बता देता हूँ, अगर आप सेब लाते हैं एप्पल लाते हैं तो उसके ऊपर अगर ऐसे धार करेंगे ना तो उसके ऊपर मोम जैसी एक व्हाइट लेयर आती है, वो केमिकल है, उसे खा करके आप रोगी बन जाएंगे। आजकल मोरस टेक्निक इतनी फास्ट है कि पेड़ का फल लगा होता है उसमें एक निडल्स लगा करके उसके फूड एक्सट्रैक्ट अर निकाल लिए जाते हैं और आप खाली खाली उस घास को खाते होते हैं। कभी आप फल खाए, दो तरीके के एप्पल लेंगे, एक एप्पल को जब आप काटते हैं तो उसके अंदर से रस रहता है और ये को खाते हैं तो बिल्कुल खसखसा रहता है, उसमें रस ही नहीं है, यानी वो खाने योग्य नहीं है। उसका एक्सट्रैक्ट एनर्जी अर्क के तरीके से निकाल लिया जाता है, आपके पास में दूसरी चीज़ें भेजी जाती हैं। हमें जो खाना हम खा ही नहीं रहे, और जो नहीं खाना आप खाएंगे मांस मछली अंडे हैवी प्रोटीन्स की चीज़ें खाने के बाद आपकी किडनियों पे साइड इफेक्ट होता है, आपका लीवर फैटी होता है, आपका मेट्रापोलिज्म बढ़ता है, उसमें विटामिन्स का नाम जरूर होता है लेकिन उनमें स्लो पॉइजन्स हुआ करते हैं। इसलिए हमें सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। भले ही हमें धूप लगे तो हमें नींबू गुड़ और थोड़ा सा नमक डाल करके शरबत क्यों ना पिए। अगर बढ़ा हुआ आपका बीपी है या कम बीपी है तुरंत बढ़ जाएगा, और अगर आपको बीपी ज़्यादा है तो आप
नमक कम खाए और मानसिक तनाव कम रखें। आहार विहार पे सारी चीजें डिपेंड है, डिपेंड करता है आपके ड्रेसिंग पे भी, आप कपड़े कैसे पहनते हैं। हमारा ये लड़का है ना स्वामी जी, बहुत दिनों से बिल्कुल पतला है, ये मोटा ही नहीं हो रहा, बोन मीरो कम है। आहार नहीं करेगा तो शरीर का विकास कैसे होगा। अब कहीं सब कुछ फिट है तो एक फैशन चल गया फिट जींस पहनना, शरीर में हवा ही नहीं लग रही है, प्रकृति का तनाव ही नहीं आ रहा है, प्रकृति की व्यवस्था से आपको लाभ ही नहीं मिल रहा है, रोम छिद्र बंद हो जाएंगे, एक टाइम लिमिट के बाद आपको स्क्रीन डिजीज हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, एक्जिमा हो जाएगा, लिकोडर्मा हो जाएगा, सोरायसिस हो जाएगा। तो हमें ढीले ढाले कपड़े, भारतीय संस्कृति के जो परंपरागत वस्त्र हैं वही पहना करो, बहुत अच्छे लगते हो। ये मॉडर्न कल्चर की चीज़ें आपको बर्बादी की तरफ ले जाती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का एक ही पहचान है पर्दा, और जो इससे मुक्त हो गया उसके जीवन में विनाश के अलावा कुछ नहीं होता है। ड्रिंकिंग की बात करते हैं हम, स्मोकिंग की बात करेंगे। आज के समय में ऐसा हो गया है कि हम स्टेटस सिंबल बना बैठे हैं। आजकल बड़े बड़े कॉलेजेस में देखते हैं, लड़कों ने अगर एक सिगरेट पिया तो हम 5 पिएंगे, लड़कों ने अगर एक पैक बियर की पी है तो हम 5 पिएंगे। आपके भविष्य का क्या हो? आपको जब भी ऐसा लगे एनर्जी लॉस हो रही है, आप दूध पियो, आप गेहूं का दड़िया बनाकर घी में फ्राई करके खाओ। कहने का श्रेय है भारतीय संस्कृति की रीति से आधुनिक और भौतिक युगों से बचें। जहां तक आपको एक टेक्निकली फीस बताएंगे हम, कि आज हमारी 22 साल की कन्या का चेहरा देखिए और पुराने समय की 85 साल की महिला का चेहरा देखिए, उसके चेहरे पे एक तेज है, और 18 साल की लड़की के चेहरे पे कुछ नहीं है, क्योंकि उसका खान पान अलग है। विवाहित महिलाओं की बात करते हैं, पूर्व समय में हमारी माताएं यहाँ पर मस्तक पे सिंदूर लगाती थी, सिंदूर में क्या होता है मरकरी, यहाँ से सिंदूर लगाती थी, क्या होता है इसमें मरकरी। विवाह के बाद उन पे मानसिक शारीरिक तनाव बढ़ता है और इस मरकरी से उनको लाभ मिलता है, उनके फेस ग्लोज क्लियर होते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि महिला 100 श्रृंगार कर ले, लेकिन जब तक माग में सिंदूर नहीं हो उसकी शोभा क्षीण हो जाया करती। हमें क्या खाना क्या नहीं खाना, जैसा आपका आहार रहेगा वैसा ही आपका व्यवहार रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, आहार को सुधारें तभी आपका व्यवहार सुधरेगा। संस्कार को जब आपके जीवन में लाया जाएगा तब आपके जीवन में लोगों के लिए परोपकार की भावनाएं जगेंगी। हमने अभी 2 संस्कारों पे छोड़ी चर्चा की है, अब बाद में यज्ञोपवीत भी संस्कार है जो ब्राह्मण क्षत्रिय में होता है, विवाह की बात करते हैं वो भी एक संस्कार है, लेकिन अब विवाह होता क्या है, विवाह होता क्या है, कौन सी मर्यादित विवाह होती बताइए, क्योंकि अब शुभ विवाह नहीं रह गया, अब लव मैरिज हो गया, किसी को बिफोर लव होता है, किसी को आफ्टर मैरिज लव होता है, शुभ विवाह कहाँ रह गया आप बताएं जरा। शादी से पहले आई लव यू, शादी के दिन हाय मेरी चंद्रमुखी, 15 दिन में फट जाए ज्वालामुखी, 3 महीने में दूसरे का आसुपहास और 6 महीने में डाइवोर्स। इसका कारण है दोनों के गुण मिलाए जाते हैं। आजकल के तो एक ट्रेड चल गया है कि अगर गुण नहीं मिले तो फर्जी नाम लिखवा दो, उम्र घटा दो, नाम बदलवा दो। विवाह का मुहूर्त निकल रहा है 11:40 पर, शादी हो रही है 5:15, कैसे बसेगा संसार। हमारे घर में जब स्त्री आती है, हमारी नई दुल्हन आती है, हमारी घर में लक्ष्मी आती है, हम उसके हाथ में नारियल देते हैं, उसके पैरों में सिंदूर लगाकर पादुका स्पर्श कराते हैं। सनातन की रीति है कि ये गृह लक्ष्मी के साथ माँ लक्ष्मी आई है, इसीलिए भारतीय नारियों को श्रीमती कहा जाता है। श्री का मतलब लक्ष्मी, मती का मतलब शारदा, उसके अंदर माँ लक्ष्मी और शारदा दोनों आया करती हैं। और जिसके घर में शारदा और लक्ष्मी आ जाए उसके जीवन में तो विकास ही होना है, लेकिन इन्हीं के साथ अगर उल्टा आ जाए तो विनाश भी हो जाता है। उल्टा तभी आती है जब समय पे सुंदर योग पे कार्य नहीं होता। सनातन की पहली व्यवस्था थी 3 दिन 2 रात रुकती थी, अब तो 2 घंटे में काम हो जाता। मुहूर्त है 11:40 का विवाह, विवाह हो रहा है 3:30, नारियल मंगल देने का प्रतीक है, मंगल कार्यकों का प्रतीक है,
इसलिए हम शुभ कार्य में नारियल का आदान प्रदान करते हैं। जब हमारे घर में मंगल कार्य आए हमें परमात्मा के चरणों में जा करके बार बार आभार प्रकट न करना चाहिए, हर हमेशा प्रकट करना है आभार और ये कहना है प्रभु तेरा बारंबार मुझ पे आभार, ऐसे ही मेरे घर में सदैव नित्य नव मंगल कार्य होते रहे। हम तो उल्टा हो गया है, 70 साल का बुढ़ा भी बोलता है आज मेरे, आगे वाली लाइन में भूल गया हूँ आप लोग समझ लेना, 20 साल की माँ भी लड़की भी बोलती है आज मेरे, यार की शादी है, बुढ़ा भी बोलता है, अब बताइए वो यार है किसका। वारे सनातन का सत्यानाश करने वाले कुकर्मियों भला हो तुम्हारा। भारतीय संस्कृति में केस खुले रखने का विरोध है। द्रौपदी ने एक बार केस खुला रखा था संकल्प लेके कि मैं दुशासन के साथ ऐसा कराऊंगी, मैं अपमान का बदला लूंगी। देवी हम आप किसका बदला लेने चाहते हो जो हमेशा बालों पे कैंची चलाते हो। संकल्पित जीवन जिए, भारतीय संस्कृति का जीवन है पर्दा, और विवाह के समय आपके माई के तो 9 भूत और बुढ़ों के 13 भूत लग जाते हैं। 80 साल का बुढ़ा भी बोलता है चल यार एक पैग मार लेने दे, आज तो बेटे की शादी है, जहर पी लो ना, पंचामृति बनाकर पियो, प्रभु का आभार करो ना, अरे प्रभु मेरी भी उम्र मेरे बच्चों को लग जाए, ये भाव होना चाहिए ना। होता है कि संस्कार करवाए हो, विवाह होने वाला है, पार्टी किस चीज की दोगे, तो आपका परिवार कैसे रहेगा। जिस जोड़े ने वरवधु के यही देखा हो कि एक दूसरे के रिश्ते में सामंजस्य के लिए मांसाहार और दारू पिलाना ही, मदिरा पिलाना ही हमारा कल्चर है, उसे दूध का क्या स्वाद होगा। इसके जिम्मेदार हम हैं। हमारे घरों में जब मंगल कार्य आए हम भगवान को जाकर के बार बार वंदन करें, अपने ठाकुर को चंदन लगाएं, उसके पंचामृति का पान करें, और कभी भी जो समय तिथि मुहूर्त निकलता है उसी पे ही विवाह के योग करें। ये भौतिक व्यवस्था से, ये मोरल कल्चर से निकाला जाए। ये हमारे पास विदेशियों की नीति थी, जिन्होंने हमें लड़ाया, जिन्होंने हमारे परिवार को बर्बाद कराया। उन्हें जब देश में विनाश करना हुआ, जब उन्हें डिवाइड एंड रूल्स की नीति अपनानी हुई, तो उन्होंने मस्जिदों में सुअर फेंका काट करके और मंदिरों में गाय फेंका काट करके ऐसे जातिवाद में हमको लड़ा दिया। जब उन्हें देखा कि सनातन के प्रेमी सदैव पंचामृत का पान करते हैं, प्राकृतिक व्यवस्था में रहते हैं, इनके कल्चर को कैसे बिगाड़ा जाए, इसलिए तुम्हारे लिए उन्होंने ये सारे उल्टे सीधे आइटम्स बना करके रख दिए। जब इस देश से सारी चीज़ें जा रही थी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया, बाकी 126 कंपनियों को भारत में इसीलिए रखा गया क्योंकि तुम पैदा हो गए इंडियन लेकिन तुम्हारा दिमाग हमेशा अंग्रेजों जैसा रहेगा। भारतीय संस्कृति में यह नहीं कहा गया है कि आपके विवाह के समय मदिरा पिए। भारतीय संस्कृति में यह नहीं कहा गया है कि आप अपने अतिथि को मांसाहार कराएं। भारतीय संस्कृति में तो ये कहा गया है कि जब आपके घर में मंगल कार्य हो तो वेद मंत्रों से हो, साष्टांग दंडवत से दूसरे का वंदन हो, और ऋतु फलू देकर मस्तक पे चंदन लगा करके उनका स्वागत किया जाए। यही भाव मैं रखता हूँ कि आप लोग इसे जीवन में उतारेंगे, मोरल कल्चर्स को हटाएंगे, और ये जो विष आपके जीवन में लोगों ने घोरा है इससे मुक्त रहेंगे। बाकी अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। नमो नारायण। पुनः मिलेंगे अगले एपिसोड में यज्ञ के विषय को लेकर।